चीट पसंद नहीं आई क्या? मुझे भी नहीं आई थी और देव को भी नहीं आई थी। यहाँ पर आप अकेले नहीं है जो अभी परेशान चल रहे हैं, क्या डेट शीट मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं आई, क्योंकि द ट्विन ब्रोस भी आज से एक साल पहले बिल्कुल परेशान थे। कल जब मैं आप सबकी क्लास 12th की मेरी डेट शीट देख रहा था, तो यहाँ पर ठीक है ओवरऑल मैंने बोला चलो अच्छा है गैप मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों के ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहे थे जहाँ पर गैप ही नहीं है, मतलब एक दिन का गैप भी नहीं है कई सब्जेक्ट में। तो एक बात मुझे समझ आ गई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिस समय उदास बैठे होंगे कि यार डेट शीट ने तो खेल कर दिया, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। चलिए आपको लेकर चलता हूँ आज से जस्ट एक साल पहले जब मेरी डेट शीट आई थी, और उस समय मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया। जस्ट आज से एक साल पहले और कुछ एक आध महीने और पीछे कर लीजिए, हमारे दिसंबर के महीने में डेट शीट आई थी, क्योंकि फेब में हमारे एग्जाम हो गए थे। जस्ट दो महीने भी नहीं, एक महीना 10-20 दिन बचे थे, हमारी डेट शीट आई थी। मैं बड़ा खुश हुआ था क्योंकि हर एक बोर्ड के बच्चे को बस एक ही चीज़ का इंतजार होता है, वो है डेट शीट, कि भाई डेट शीट आया पढ़ना चालू करें। लेकिन मेरी स्टोरी ना इससे थोड़े से और पीछे जाती है। डेट शीट आने के एक महीने पहले, जब हमारे बोर्ड एग्जाम को 3 महीने बचे थे, जब मैं ये समझ चुका था कि यार मैंने अब पढ़ना चालू नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। देव और मुझे दोनों को इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, हम लोग कभी कोचिंग नहीं गए तो हमें कोचिंग जाने की आदत नहीं थी, घर में पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा था, हिस्ट्री में बड़ी परेशानी जा रही थी। उसी समय स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, उनमें ज़्यादा पार्ट ले लिया था तो पोर्शन पूरा बच गया था, सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हो रहा था। अब समझ आ गया कि भाई जो तीन महीने बचे हैं इनमें कुछ तो करना पड़ेगा तभी बोर्ड में कुछ अच्छा हो सकता है। एक बढ़िया बैठ के मैंने टाइम टेबल बनाया, एक अपने लिए बनाया, एक देव को दिया। इस टाइम टेबल में हम लोगों ने सीधे एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, 3 चैप्टर्स पर डे। हम जैसे भैया 3 चैप्टर डेली करेंगे, आराम से पूरा ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो बोर्ड में अच्छा ला पाएंगे। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फॉलो किया, फुल लगा कर मेहनत करी, लेकिन उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ गया। फिर कुछ सही सा समय भी नहीं जा रहा था, अजीब सा लग रहा था अंदर जाने के, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो बीच में और फ्लो टूट गया। लेकिन फिर समझ में आया 1-2 हफ्ते वेस्ट करने का कि भैया अब इतना लेट हो गया, अब तो खून पसीना एक करना पड़ेगा, करना भी चालू कर दिया। खून पसीना एक करने से मेरा मतलब है 3 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। लोगों के लिए 3 घंटा जाने के बहुत कम होता है, लेकिन मेरे जैसा बच्चा जो सिर्फ 1 घंटा पूरे साल पढ़ता था, उसके लिए 3 घंटा पढ़ना अपने आप एक बहुत बड़ी बात थी। 4 बजे उठना चालू किया, हालांकि अभी भी 4 बजे उठता हूँ, लेकिन उस समय एक अलग जुनून होता था। शायद वो मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने ये समझा था कि सुबह उठ के मेरी पढ़ाई अच्छी होती है। 4 बजे उठता था, नींद आती थी, ऐसा नहीं है कि हंसते हंसते उठता था, नींद आती थी लेकिन पढ़ने बैठता था। फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब डेट शीट आ गई, न्यूज़ आई कि भाई डेट शीट आ गई है, फुल एक एनर्जी आ गई कि फाइनली जो टाइम टेबल बनाया है और यहाँ पर जो डेट्स का कॉलम छोड़ा था वहाँ पर डेट्स लिख जाएंगी, उसके हिसाब से पढ़ाई चालू करेंगे। फुल एनर्जी के साथ CBSE की वेबसाइट खोली, टाइम टेबल अपना डेट शीट डाउनलोड किया और उसको पढ़ना चालू किया। सबसे पहला डेट आता है 24th February फिजिकल एजुकेशन का पेपर, पढ़ के मैंने एकदम खुश हो गया, चलो भाई पहले ही पेपर ईजी हो गया है, एक बोर्ड एग्जाम में फ्लो हो जाएगा। जस्ट उसके बाद 2 दिन का गैप मिला और इंग्लिश का पेपर आ गया। मेरा यार 2 दिन का गैप मात्र इंग्लिश का पेपर के लिए, पिछले साल जब 10th दिया था 1 साल पहले, मतलब 2 साल पहले उससे, तो हर एक सब्जेक्ट में 5-5, 6-6 दिन का गैप था, बट चलो ठीक है इंग्लिश है 2 दिन में निपटा देंगे। इसका तीसरा पेपर सीधे हमारा आता है हिस्ट्री का, उसमें 4 दिन का गैप, पूरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने भाई 3 बुक हैं, 3 बुक अगर 3-3 दिन भी किया तो क्या आखिरी दिन में रिविजन कैसे होगा, मैप कैसे होगा, ये अपने आप में एक हिस्ट्री की प्रॉब्लम आ गई। हिस्ट्री का बोला चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 दिन का गैप, मतलब तो एक एक दिन में एक बुक करना है, पूरा निपटाना है, दिमाग काम करना पूरा बंद कर दिया था पॉलिटिकल साइंस के। तब लास्ट एक सब्जेक्ट बचा था इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में मिला था 6 दिन का गैप। चलो मैंने चलो भाई कुछ तो एक जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है उसमें 6 दिन का गैप मिला है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मूड खराब कर दिया। सबसे पहले तो आधा मूड इसलिए खराब था कि इतना घटिया डेट शीट आया है, लेकिन इसके बाद क्या होती है, आपकी नज़र पड़ती है उन सब्जेक्ट्स पर जो आपको पता होते हैं और खासकर जो आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ की, तो हमारे स्कूल में मेनली 4 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के होते थे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। हमारी क्लास में गिने चुने 4 बच्चे थे, उसमें से एक मैं और एक देव थे, बाकी हमारे 2 दोस्त थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया हुआ था। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन और हिंदी मेनली बच्चे रहते थे, मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था लेकिन कई दोस्तों ने हिंदी भी लिया हुआ था। अब इसके बाद सोचा यार बाकियों का देखने, अभी तक सोशियोलॉजी और हिंदी देखने को नहीं मिला ये पेपर का बोल रहे हैं, तो इन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था हमारे यहाँ किसी ने भी, जिसने भी सोशियोलॉजी लिया था उसने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, और मेनली जिसने सोशियोलॉजी लिया था उनमें से 2-3 बच्चों ने हिंदी लिया हुआ था। सबसे पहले नीचे निगाहें गई तो पॉलिटिकल साइंस के बाद पूरे 9 डेज के गैप के बाद हिंदी का पेपर था। मैंने चलो बापरे 9 डेज का गैप है, किस्मत अच्छी है। लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, हिंदी नहीं लिया था, और इकोनॉमिक्स ना लेकर सोशियोलॉजी लिया था, मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट पॉलिटिकल साइंस का सीधे उनका जो पेपर आना था वो था सोशियोलॉजी का।
स्क्रोल करता गया, जो आखिरी पेपर था बोर्ड एग्जाम का वो था सोशियोलॉजी। 24 डेज का गैप पॉलिटिकल साइंस के बाद, मेरा दिमाग घूम गया। मुझे अपने किसी दोस्तों से प्रॉब्लम नहीं थी, कंपेयर करने की मेरी बचपन से आदत नहीं, मुझे प्रॉब्लम एक थॉट से हो गई जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने नोटिस किया कि मेरे और देव के जो पेपर हैं ये 19 डेज में खत्म हो रहे हैं, मात्र 19 डेज में, और इनमें से 5 दिन तो एग्जाम रहेंगे, उनको निकाल दो मतलब 14 डेज का गैप ओवरऑल मिल रहा था। 14 दिन पढ़ना है फ्री में बैठो, 5 दिन पेपर के निकालो, 90 डेज में पेपर खत्म हो जाएंगे। बाकी लोगों के ऐसे महीने महीने भर चल रहे हैं, मैंने यार ये क्या सीन हो गया। और बात मेरा दिमाग ये समझा कि यार मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, अब मेरे पास मात्र 2 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, इन 2 महीने में मुझे 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। लेकिन वो बच्चे जिनने इकोनॉमिक्स नहीं लिया और सोशियोलॉजी लिया है, उनको जो इनको 24 डेज का गैप मिला है क्योंकि सोशियोलॉजी का आखिरी पेपर है, तो क्या वो इन 2 महीने में सोशियोलॉजी पढ़ेंगे? जो हिंदी के बच्चे हैं, क्या इनको 10 दिन का 9 दिन का गैप मिला ये हिंदी पढ़ेंगे? नहीं। कुल मिला के मेरा कॉम्पिटिशन अब मार्केट में ऐसा हो गया, तो उससे मेरे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, सीबीएसई पूरे इंडिया में चलता है कि भाई जितने भी ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो ये 2 महीने की जो मिला है हमें गैप पूरा, ये इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे, जबकि हमें कितने सब्जेक्ट का करना है? 5 सब्जेक्ट का। पूरा दिमाग घूम गया, पूरे 2-3 दिन चिड़चिड़ाता रहा, टीचरों को कॉल किया, गुस्से में सीबीएसई को मेल किया, पर पता था सीबीएसई कभी रिप्लाई तो करने वाला नहीं है। दिमाग संकर अपने टीचरों को कॉल करके बात करी, सब देखा। इसके बाद फिर आखिरी में 2 दिन बाद एकदम कूल डाउन होकर बैठा, मैंने बोला मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे साथ एक गलत चीज़ तो हो गई है भाई, बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मैं तो मालूम था मुझे कि अगर मेरा भी ऐसे ही टाइम टेबल बना होता तो मैं आराम से बहुत हाई स्कोर करता, क्योंकि भाई किसको पसंद नहीं आता इतना बड़ा गैप। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया और उसके बाद मैंने अपनी एक कॉपी में कुछ लिखा था, और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो उसको मैंने पूरा फ्रेम करके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था, वीडियो के आखिरी 20 सेकंड्स में, लेफ्ट साइड राइट साइड में मैं स्टिक कर दूँ, आप उसको ज़रूर पढ़ना। कुल मिला के मैंने क्या किया, अपनी कॉपी खोली, वहाँ पर अपना टाइम टेबल लिखा और उसके नीचे खुद ने कोट बनाकर वहाँ पर लिखा। मैंने लिखा था अनफेवरेबल सिचुएशंस बट नॉट अनफेवरेबल लक, मतलब हालांकि हमारी सिचुएशंस अलग हैं, हालांकि हमारी डेटशीट अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा लक भी अलग हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मेहनत अलग हो जाएगी। मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे जरूर मिलेगा। इस कोड को लिखने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गया, क्योंकि सिंपल सी बात मुझे मालूम थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने दिल लगा के पढ़ा, मेहनत करके पढ़ा और फाइनली रिजल्ट सबके सामने। यहाँ पर हम हमेशा ना नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, हम कभी पॉजिटिव चीज़ों को देखते भी नहीं है। आपको क्या लगता है, जिनको ये ज़्यादा गैप मिले हैं इनको बहुत अच्छा टाइम टेबल मिला है? क्या आपको सही में लगता है अगर किसी को 24 डेज का गैप मिलेगा तो 24 डेज पढ़ने वाला है? 24 डेज में से 14 डेज तो इंसान बैठे बैठे निकाल देता है कि भाई कौन पढ़ेगा इतनी जल्दी, क्या करेंगे, सब आखिरी में पढ़ने जाते हैं, कोई स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता, किसी मजा नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको 7 दिन का गैप भी मिला है, 7 दिन में से 2 दिन बैठ के निकाल देते हैं। और आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी सब बच्चे सोचते हैं अरे वाह मुझे इसमें 10 दिन का गैप मिला, इसके बाद मेरे 3 पेपर हैं, 10 दिन में से स्टार्टिंग के 4 डेज कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होता। बोर्ड में ऐसी किसी की दमी नहीं पड़ती कि इतना कोई पढ़ पाए, सब अपने प्रेशर में रहते हैं, सिचुएशन सबके लिए नॉर्मल हो जाती है। और आपसे बोला किसने कि आप बोर्ड एग्जाम तक बैठे रहेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? हमने इतने सारे चैप्टर्स और इतनी सारी वीडियोस बना किसके लिए रहे हैं? आपके लिए बना रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम के पहले आपका सिलेबस निपटा के हम देंगे। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज पर फोकस करिए। हमारे 19 डेज में पेपर खत्म हो गए, जस्ट पेपर खत्म होने के 2 दिन बाद कोरोना की न्यूज आ गई थी, पूरी जगह लॉकडाउन लग गया था, पूरे बच्चों का 1 महीना इस सोच में निकल गया सोशियोलॉजी का पेपर होगा कि नहीं होगा, हिंदी का पेपर होगा कि नहीं होगा, कितने सारे कॉमर्स के भी एक बिजनेस स्टडीज शायद बच गया था, बहुत सारे सब्जेक्ट बच गए थे, हम लोग चिल मार के बैठे हुए थे, पेपर भी हो गए थे, पेपर अच्छे भी गए थे और सब चिल मार के बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर सब टेंशन ले रहे थे। और आप मुझे बताइए क्या बोर्ड एग्जाम में मेंटल प्रेशर नहीं आता? अब आप मेंटल प्रेशर 17, 18, 19 दिन रखना चाहेंगे कि 1 महीना रखना चाहेंगे? हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देखिए। और देखिए लाइफ में सिर्फ ऐसा एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। ये मैंने बात कर ली अपनी डेट शीट के, रिजल्ट आ रहा था कोरोना का, जब रिजल्ट आने का आया तो न्यूज़ आ गई भाई एवरेज मिलने वाला है, फिर दिमाग सनक गया। मैंने 19 डेज में मैंने और देव ने पूरे 5 पेपर दिए, आप हमको हमारा रिजल्ट दे रहे हो। यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 2 अभी पेपर नहीं दिए तो उनको एवरेज दे रहे हो, मतलब कुल मिला के रूल आया था कि जिन बच्चों के 5 पेपर में से 2 अभी बचे हैं तो उनके जो 3 पेपर हो गए उनमें से 2 में जिसमें बेस्ट मार्क्स आए उन 2 का एवरेज निकाल के दे दिया जाएगा। अगर सिंपल वे में बोलूं तो अगर मेरे जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस में 97 थे और पॉलिटिकल साइंस में 97 थे, फिजिकल एजुकेशन में 97 थे, तो कुल मिला के अगर मैंने 3 पेपर दिए होते तो मेरा 97 एवरेज चढ़ जाता बाकी के 2 में, मतलब मेरा रिजल्ट आसमान छू जाता।
और अगर आप सपोज कर लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके दो सब्जेक्ट में 99 आ गए, किसी में 98 आ गया, तो उसका एवरेज कितना जाएगा, बाकी में 99 चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इतनी अनफेयर चीज़ हो गई, फिर दिमाग समझ गया, लेकिन फिर मैं कुछ कर सकता था क्या? मैं फिर बैठा, मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, मैंने भाई क्या नाटक हो रहा है, हमारे साथ ही चीज़ें होती हैं क्या? 19 डेज में पूरा पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट क्या आया, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, कुछ बिगड़ा क्या? गए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, कई चीज़ें हमारी हाथ में होती हैं, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उन हर चीज़ का कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड होता है, हमें पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सिचुएशंस आपका साथ नहीं देंगी, मे भी लोग आपका साथ नहीं देंगे, मे भी कुछ आपके हालात ऐसी हो जाएंगी जहाँ पर आप थोड़े बिखर से जाओगे, लेकिन आपकी मेहनत आपके साथ रहने वाली है, आपकी सच्चाई आपके साथ रहने वाली है, और मेहनत कभी भी असफल नहीं होती, आपको सक्सेस मिलेगी। ये मैंने इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, जो मैं स्टिक कर रहा हूँ बिल्कुल उसको पढ़िएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नए वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ थे टहंगुरिया।